करोड़ों रुपए की योजना को जब एक मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा ही बंटाधार किया जा रहा है तो विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। मामला जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड के कल्पा पंचायत के छोटी कल्पा गांव में पंचायती राज विभाग के द्वारा बनाए जा रहे आदर्श पंचायत भवन से जुड़ा हुआ है, जहां की बिहार सरकार के द्वारा आदर्श मॉडल पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। कल्पा पंचायत के मुखिया की देखरेख में बनाई जा रही आदर्श पंचायत भवन पर ग्रामीणों ने सवाल खड़ा कर दिया। मुखिया जी के द्वारा निर्माण कराए जा रहे कार्य पर स्थानीय ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में कराए जा रहे कार्यों में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इस बात की सूचना हम लोग कई बार स्थानीय मुखिया को दिए हैं, पर उनके द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि इसमें लगाए जा रहे सामग्री जैसे गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट एवं ईंट काफ़ी घटिया स्तर का है। शुरुआत के समय में हम लोगों को इस बात की काफ़ी खुशी हुई थी कि हमारे गांव में भी आदर्श मॉडल पंचायत भवन बनेगा, पर यहां इस तरह के कार्य देखकर हम लोगों को काफ़ी दुख है। इसकी शिकायत हम लोग ज़िले के अधिकारियों से कर चुके हैं कि कैसे स्थानीय मुखिया के द्वारा घटिया स्तर का सामान लगाकर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ज़िले के अधिकारियों ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। 1 करोड़ लमसम है, 1 करोड़ 13 हो या 42 हो, सही कंफर्म नहीं है। ये पंचायत भवन मॉडल पंचायत भवन बना है बिहार सरकार के द्वारा, और ये जो मुखिया के द्वारा बना है, और ये जो देख रहे हैं बालू का क्वालिटी में हमको क्या कहना है, आप अपने खुद देख रहे हैं। बाहर में जो पिलर जो दिया गया है आगे में, आप पीछे में क्या है इसको आप देख रहे हैं। छड़ कौन देना है, छड़ का क्वालिटी भी देखिए, बालू का क्वालिटी देख ही रहे हैं। मिक्सर मशीन रखा हुआ है और मजदूर हाथ से मिलाकर काम कर रहा है। मिक्सर मशीन किस लिए रखा हुआ है? मिक्सर मशीन से क्वालिटी अच्छी होती है बिल्डिंग का, जो भी बनता है। जो कौन करवा रहे हैं? ये मुखिया अपने शंकर कुमार वही करवा रहे हैं। किस पंचायत का मामला है? ये कल्पा पंचायत का मामला है, कल्पा खुर्द में बन रहा है। तो इस बात को लेके आप लोग में नाराजगी है? नाराजगी क्या, मैंने कमी अगर है, आप आए हैं देखने के लिए, आप हम पंचायत के नाते आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम सारी बात को बता रहे हैं। मैंने गलत हो रहा है, गलत तो एकदम रहा है, गलत हो रहा है कि जब आपको कहेंगे, आप भी पत्रकार हैं, अभी तो देख रहे हैं भाई कि गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो मैंने मुखिया जी से ये शिकायत आप लोग किए हैं कि नहीं? मुखिया से शिकायत अगर कुछ करेंगे तो कहेंगे प्रतिद्वंदी है, चुनाव लड़ना चाह रहे हो तो इसे करना चाह रहे हो, हमको फंसा रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, यही तो बात होता है, राजनीतिक बातें आ जाती है। कल्पा का टोला कालू मठ के हैं, कल्पा मठ है, टोला है कल्पा का, वहीं के निवासी हैं। हमारे यहाँ जो बन रहा है बिल्डिंग कल्पा, वो ठीक ढंग से बन ना रहा है, ना ठीक ढंग से काम हो रहा है, ना सीमेंट भी बढ़िया से दे रहा है, ना सारी बार बालू गंदा ला कर रख दिया है, कल हटाया है बड़ी कर, जब गए रिपोर्ट में तब घर भी बढ़िया नहीं दे रहा है, पैनिंग नीचे भी नहीं किया है बढ़िया से। अच्छा आगे मुझे नीचे ऊपर पर पिलर डाल दिया है, लेकिन उत्तर पश्चिम पूरब सब दोहरा पिलर दिया है, तो पहले सरिये वाला पिलर है, इसलिए बहुत दुखी है हम लोग तो। आगे भी अगर जो नहीं इधर सुनवाई हुआ तो कहता है कि तुम लोग जहाँ चिल्लाना जहाँ चिल्लाओ हम समझ लेंगे, हम लोग सुन नहीं इधर सुन लेगा तो डी एम साहब के यहाँ जाएंगे, उसे न होगा तो आगे जाएंगे। हमारा नाम है संजीव प्रसाद हुआ, हम कल्पा टोला धर्मपुर के रहने वाला हैं, हमारा पंचायत हुआ कल्पा। कल्पा में जो पंचायत भवन बन रहा है उसमें अनियमितता बरती की जा रही है, और जो मटेरियल जो पड़ा है उसमें समझिए कि आपको क्या बोला जाता है कि मैंने ऊपर से नीचे तक सब मैंने उसी तरह का मैंने समझे कि नहीं। हम लोग पदाधिकारी से मिले करके हम लोग मैंने बात करेंगे कि सर हम लोग का मैंने भविष्य के लिए मैंने बन रहा है जो पंचायत भवन, उसमें हम लोग का मैंने दिक्कत है।
कुमार हुआ, घर बाजार काली, ग्राम बाजार काली पोस्ट कल्पा थाना जहानाबाद पंचायत कल्पा का। और हमारे पंचायत में एक नोडल बन रहा है जो बढ़िया से छड़ और बालू सीमेंट सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, मात्रा के अनुसार नहीं है। 16 की जगह पर 12 में कुछ 8-10 में कुछ छड़ पड़ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम डीएम से भी मिलें और इसी पर हम लोग आगे बोलते हैं कि धरोहर है मैं हम लोग का और हम चाहते हैं कि अच्छा से बने, बस यही चाहते हैं आप। अच्छा से बन नहीं रहा सर, हम लोग दुखी हैं और बार बार जाते हैं तो कहते हैं कि क्या कर लेगा पत्रकार, सब तो बिकाऊ है, हम पैसा दे करके सबको खरीद लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता।